आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट डिश, बहुत ही मज़े की बनती है। और वैसे भी ईद आने वाली है, 2-3 दिन ही रह गए हैं, तो ईद पे बहुत शौक से खाई जाती है। तकरीबन हर घर में ये रेसिपी तो ज़रूरी बनती है। सेवैयाँ बनाने के लिए मैंने ये सेवैयों का पैकेट लिया है, ये मैंने छोटा पैकेट लिया है, और ये बारीक सेवैयाँ ली हैं। ये वाला पैकेट है, क्वांटिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये मैं बनाऊंगी हाफ, तो इसको पहले हम हाफ निकाल लेते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। मैंने ये वाला कप लिया है एक, पानी को थोड़ा सा पकाएंगे, फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। अब मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डालूंगी, और चीनी के लिए मैंने ये वाला मेजरिंग स्पून लिया है। 3 बड़े चम्मच मैंने चीनी के डाल दिए हैं। अगर आप चीनी ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको पका लेते हैं, जब शीरा बन जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। तो चाशनी तैयार हो चुकी है, अब हम उतार लेते हैं। चाशनी को हमने निकाल लिया है, अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें सेवैयों को भूनेंगे। ऑयल हमने डालना है 2-3 चम्मच। अब हम सेवैयाँ डालेंगे और इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। सेवैयों का कलर जब ब्राउन हो जाएगा फिर हम इसमें चाशनी डाल देंगे। सेवैयाँ ब्राउन हो गई हैं, इसको हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें चाशनी डाल देंगे। सेवैयों का पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको उतार लेंगे। अब हम फ्लेम ऑफ़ करके 5 मिनट के लिए दम पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। तो हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी सेवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।